ये कहानी ऐसे वक्त की है जब इंसानों के प्रकृति से बहुत ज्यादा छेड़खानी की वजह से पूरी दुनिया का मौसम बदल गया और अब आइस एज की शुरुआत हो गई। सरकारें गिर गई, किसी देश में कोई सरकार नहीं है। अब इस दुनिया को कुछ ही ऑर्गेनाइजेशंस चलाती हैं जिनके हाथ में कंट्रोल है, पर बाहर दुनिया में हर एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन है। हर एक इंसान अपनी जान बचाने के लिए, थोड़े से खाने के लिए, एक दूसरे की जान लेने के लिए आतुर है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग आई विल क्रॉस द फ्रोजन सी। कहानी की शुरुआत में हमें कैरोलिन नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो ट्रैफिक जैम में फंसी हुई है। उसके साथ उसकी बेटी होती है और तभी गोलियां चलने की आवाज आती है। कुछ लोग आते और इनकी गाड़ी का शीशा तोड़कर इन दोनों को गाड़ी से जबरदस्ती बाहर उतार लेते हैं। कुछ सालों के बाद दिखाया जाता है जहां दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें दूसरे को मारना आना चाहिए। यहाँ पर कैरोलिन ने अपनी बेटी को खो दिया है और खुद वो एक सोल्जर बन चुकी है। अब वो अपने बाकी साथियों के साथ ट्रेन से कहीं जा रही होती है, तभी ट्रेन रुकती है। वहाँ पर ल्यूटेनेंट आता है और कहता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, जिसके बाद कैरोलिन उसकी गाड़ी में बैठ कर यहाँ से निकल जाती है। दरअसल ल्यूटेनेंट उसे बेस ले जा रहा है। रास्ते में एक जगह वो अपनी गाड़ी को रोकता है जहाँ पर चारों तरफ इंसान होते हैं और इस वक्त इंसान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ल्यूटेनेंट कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ, पर गाड़ी से बाहर मत निकलना। ल्यूटेनेंट के जाने के बाद कैरोलिन गाड़ी से बाहर उतर जाती है। वो लोगों से बात करने की कोशिश करती है पर वहाँ के लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं। कैरोलिन के पास हथियार हैं जिससे वो उन लोगों के ऊपर हमला करती है और ल्यूटेनेंट को वहीं छोड़कर गाड़ी से बेस की तरफ निकल पड़ती है। दरअसल ल्यूटेनेंट उसे जिस रास्ते से लाया था वो बेस का रास्ता नहीं था और ये बात उसे पता थी। और अब कैरोलिन बेस तक पहुंच जाती है जहां पर बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं। कैरोलिन एक सोल्जर को अपना ऑर्डर लेटर दिखाती है। वो पूछता है कि तुम्हारा साथी कहाँ पर है। वो कहती है कि वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाया। वो उसे पूरी बात नहीं बताती। इसके बाद उसे बेस के अंदर ले जाया जाता है जहां पर उसे तीन और सोल्जर्स मिलते हैं जिन तीनों को उसी की तरह यहां पर लाया गया है। अब यहां पर कैप्टन आती है और इन चारों को कर्नल के पास ले जाती है। वो यहां पर सबको बताती है कि हमारे बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला किया है, हमारी हजारों किलोमीटर जमीन उनके कब्जे में है और अब उनका अगला टारगेट हमारा ये वाला बेस है। अगर ये बेस उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया तो हम जंग को पूरी तरह से हार जाएंगे, इंसानियत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आर्कटिक जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, इसके बर्फ की परत बहुत पतली है जिस पर गाड़ियों का चलना संभव है, सिर्फ स्केटिंग करके ही दूसरी तरफ जाया जा सकता है। ये चारों के चारों बहुत अच्छे स्केटर्स होते हैं, इसीलिए इन सबको यहाँ पर बुलाया गया है। कर्नल बताता है कि तुम्हें यहाँ से बहुत मीलों दूर आर्कटिक के पार एक हमारा रिसर्च बेस है, वहाँ तक दो कैप्सूल्स को ले जाना होगा। अगर तुम इसमें कामयाब हुए तो शायद ये जंग हमेशा के लिए खत्म हो जाए, लेकिन ये मिशन बहुत खतरनाक है। कैरोलिन कहती है कि हजारों मील दूर स्केट्स पहनकर रात के अंधेरे में दुश्मन के इलाके को पार करना संभव है, ये खुद अपनी मौत को न्योता देने जैसा होगा, मैं इस मिशन पर नहीं जाऊंगी। कर्नल सबको बाहर भेजता है और इसके बाद कहता है कि क्या तुम्हें अपनी बेटी की याद नहीं आती। वो उसे एक फोटो दिखाता है जो उसी की बेटी की होती है जो कई सालों से लापता है। कर्नल कहता है कि ये हमें कैंप में मिली और इस वक्त ये उसी जगह है जहां पर तुम्हें कैप्सूल्स लेकर जाना है। ये सुनने के बाद कैरोलिन इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो किसी भी हालत में अपनी बेटी तक पहुंचना चाहती है। कैरोलिन अपने बाकी तीन साथियों के पास आती है जो सब के सब कह रहे होते हैं कि इस मिशन पर जाना अपनी मौत को न्योता देने जैसा होगा, पर कैरोलिन उन्हें कहती है कि हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, हमें इस मिशन पर जाना ही होगा क्योंकि ये काम हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता। दरअसल यहाँ पर हर किसी ने किसी न किसी को खोया है और अब अगली सुबह इन सबको मिशन पर निकलना है, पर रात को इनके कैंप पर इनके बेस के ऊपर हमला हो जाता है, इसीलिए रात को ये चारों के चारों मिशन पर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्नल इनके पास आता है और इन्हें कैप्सूल्स देते हुए कहता है कि इनकी रक्षा अपनी जान से भी ज्यादा करना। यहाँ पर वो ल्यूटेनेंट भी आ जाता है जिसे कैरोलिन रास्ते में छोड़कर आ गई थी, वो भी इनके साथ निकल जाता है और कैरोलिन को उस पर शक होता है। और अब इनके निकलते ही बेस को दिखाया जाता है जिसे दुश्मन ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। पूरी रात ये छह के छह लोग स्केटिंग करते रहते हैं और सुबह होने पर कैप्टन सबको रुकने के लिए कहती है। सुबह ये सफर नहीं कर सकते क्योंकि अगर सुबह इन्होंने अपना सफर जारी रखा तो दुश्मन इन्हें देख लेंगे और मार देंगे।
कैप्टन कहती है कि रात को हम अपना सफर जारी करेंगे। तभी वहाँ की बर्फ टूट जाती है और कैप्टन पानी के अंदर गिर जाती है। सबके सब बर्फ पर लेट जाते हैं क्योंकि उनके गिरने का भी खतरा है, पर कैरोलिन पानी के अंदर कूद जाती है ताकि वो कैप्टन को बचा सके। साथ ही कैप्सूल्स भी कैप्टन के पास ही होते हैं। कैप्टन पानी के बहुत नीचे जा चुकी है, उसे बचाना असंभव है, लेकिन कैरोलिन उस तक पहुंचकर कैप्सूल वाला बैग लेकर ऊपर आ जाती है। पर अब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, इसीलिए उसके साथ ही उसे पास के घर पर ले जाते हैं। आग जलाने के बाद कैरोलिन को थोड़ी सी राहत मिलती है और अब कैप्टन इस दुनिया में नहीं रही, इसीलिए इन्हें एक नया कैप्टन चाहिए। लेफ्टिनेंट रैंक में इनसे सबसे ऊपर होता है, इसीलिए सब तय करते हैं कि लेफ्टिनेंट अब जो कहेगा ये उसी के ऑर्डर को फॉलो करेंगी। हालांकि कैरोलिन ऐसा नहीं चाहती क्योंकि उसे लेफ्टिनेंट के ऊपर शक है, पर सबके कहने पर उसे उनकी बात माननी पड़ती है। वे रात को अपना सफर जारी रखेंगे। सब आराम करने के लिए सो जाते हैं। तभी कैरोलिन की आंख खुलती है, उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। वो देखती है कि इनका एक साथी बाहर रेडियो पर किसी से बात कर रहा है, और तभी यहाँ पर दुश्मन का हेलीकॉप्टर आ जाता है। ये सब के सब बाहर निकल जाते हैं और हेलीकॉप्टर उस घर को उड़ा देता है। इसके बाद कैरोलिन अपने उसी साथी को गन पॉइंट पर ले लेती है जो रेडियो पर बात कर रहा था, और सबको बताती है कि इसी ने दुश्मन को यहाँ पर बुलाया है। वो कहता है कि नहीं, मैं अपने कैंप में, अपने बेस में अपने लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे बताया गया है कि वहां पर दुश्मन ने हमला किया है। मेरी गर्लफ्रेंड वहीं पर है, मैं जानना चाहता हूं कि वो जिंदा है कि नहीं। पर सबको इस पर शक है, इसीलिए सब इसे मारते तो नहीं है लेकिन इसके हथियार छीन लेते हैं, और अब ये आगे का सफर तय करते हैं। और जब ये एक जमी हुई झील को पार कर रहे होते हैं, तभी वहां पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है जो इनके ऊपर गोलियां चलाता है। अपनी जान बचाने के लिए सबके सब अलग अलग दिशाओं की तरफ भागते हैं और एक ब्रिज के नीचे अपनी जान बचाकर छुप जाते हैं। हेलीकॉप्टर वहां से चला जाता है, लेकिन कुछ देर तक ये वहीं पर बैठे रहते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि हेलीकॉप्टर वापस लौट कर आ सकता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद ये सब के सब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में एक छोटा सा टाउन पड़ता है जहाँ अब कोई नहीं रहता। ये घरों की तलाशी लेते हैं और तभी ये देखते हैं कि घर के अंदर रोशनी है। जब ये उस घर के अंदर जाते हैं तो वहां पर एक बूढ़ा कपल होता है। ये उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बूढ़ा आदमी कहता है कि रेफ्यूजी कैंप में मरने से अच्छा हमने यहीं पर रहना तय किया। इसके बाद वो इन्हें खाना ऑफर करता है। ये सब के सब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और तभी कैरोलिन के हाथ से सूप का प्याला नीचे गिर जाता है। जब वो उसे उठाने के लिए जाती है तो देखती है कि बूढ़े आदमी ने डाइनिंग टेबल के नीचे गन छुपा रखी है। पर इससे पहले कि कैरोलिन गोलियां चलाती, वो बूढ़ा आदमी गोलियां चला देता है। जवाबी कार्रवाई में ये दोनों को मार देते हैं। लेकिन अब कैरोलिन का वो साथी जो रेडियो पर बात कर रहा था, इस पर इन सब को शक था, जिसके हथियार भी इन सब ने ले लिए थे, उसकी मौत हो चुकी है। इनका एक दूसरा साथी घायल होता है क्योंकि उसके पेट पर गोली लगी है। और तभी इनके उस साथी का जो अभी अभी मारा गया, उसका रेडियो रिंग करता है। ये रेडियो को ऑन करते हैं। दूसरी तरफ से एक लड़की बात करती है। उससे बात करने पर इन्हें पता चलता है कि ये इनके साथी की गर्लफ्रेंड थी, यानी कि वो सच कह रहा था, वो गद्दार नहीं था। और अब ये अपने जख्मी साथी को यहाँ से लेकर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में इन्हें एक शिप मिलता है जो बर्फ में पूरी तरह से जमा हुआ है। ये उसके अंदर चले जाते हैं, पर अब ये जानना चाहते हैं कि जो कैप्सूल्स इनके पास हैं, उसके अंदर क्या है। क्यों ये एक ऐसी चीज के लिए अपनी जान दे रहे हैं जिसके बारे में इन्हें पता ही नहीं कि उसके अंदर है क्या। हालांकि कैरोलिन उसे खोलने के लिए मना करती है, फिर भी ये उसे खोल देते हैं। उसके अंदर एक बॉटल होती है जिसके अंदर लिक्विड है। कैरोलिन कहती है कि शायद ये एक बायोलॉजिकल वेपन है, इसके अंदर वायरस है और इस वायरस के जरिए वो हमारे सभी दुश्मनों को खत्म करना चाहते हैं। अब इनके उस साथी की भी मौत हो जाती है जिसके पेट पर गोली लगी थी। कैरोलिन कहती है कि हमें जल्द से जल्द मिशन को पूरा करना होगा। कैरोलिन का साथी कहता है, हमारे सभी साथी मर रहे हैं और तुम्हें इस मिशन से इतना लगाव क्यों है। कैरोलिन उन्हें सच्चाई नहीं बताती कि वो अपनी बेटी तक पहुंचना चाहती है। वो कहती है कि हमें किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द कैप्सूल लेकर रिसर्च सेंटर तक पहुंचना होगा। लेकिन अब कैरोलिन का साथी और लेफ्टिनेंट वो इस कैप्सूल को लेकर वहां नहीं जाना चाहते, क्योंकि अगर ये वायरस दुनिया में फैल गया तो पूरी इंसानियत का खात्मा हो जाएगा। लेकिन इस बात से कैरोलिन को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो अपनी बेटी तक पहुंचना चाहती है। इस बारे में वो इन दोनों को नहीं बताती और रात के अंधेरे में इन दोनों को बताए बिना ही वो कैप्सूल लेकर आगे बढ़ जाती है। और कुछ दूर जाने के बाद ही उसे एहसास होता है कि बर्फ की परत यहाँ पर बहुत पतली है। अगर उसने तेजी से स्केटिंग की
तो वो पानी के अंदर गिर जाएगी जिससे उसकी मौत हो जाएगी। वो एक ऐसी जगह पर फंस जाती है जहाँ से ना तो वो आगे जा सकती है और ना ही पीछे आ सकती है। लेकिन तभी वहाँ पर ल्यूटेनेंट और उसका साथी आ जाते हैं जो उसको वहाँ से निकाल लेते हैं। साथ ही उसे कैप्सूल भी ले लिया जाता है और अब ये तीनों के तीनों अपने आप को रस्सियों से बांध कर, जो रस्सियाँ एक दूसरे से बंधी होती है, स्केट करके आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और तभी इनके सामने दुश्मनों का एक कैंप आता है जो इन पर गोलियां चलाता है। ये उन सबको मार देते हैं और तय करते हैं कि अब ये इसी कैंप में आराम करेंगे। ये सब के सब अंदर जाते हैं जहां पर ल्यूटेनेंट कैरोलाइन से पूछता है कि तुम्हें पता है कि कैप्सूल के अंदर वायरस है जो पूरी मानव जाति को खत्म कर सकता है, लेकिन फिर भी तुम अपने मिशन को पूरा क्यों करना चाहती हो। कैरोलिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो कहती है कि हमें आराम करना चाहिए। ये सब के सब सो जाते हैं और सुबह कैरोलिन की आंखें गोलियों की आवाज से खुलती है। वो देखती है कि दुश्मन ने इनके ऊपर हमला कर दिया है, लेकिन यहाँ पर ल्यूटेनेंट कैप्सूल लेकर गायब हो चुका है। ये दोनों के दोनों दुश्मनों से लड़ते हैं। कैरोलिन का साथी, जो कि एक बहुत अच्छा शूटर है, वो कई लोगों को मार देता है, लेकिन इनके पास गोलियां खत्म होने वाली है। इसीलिए कैरोलिन के पास जो ग्रेनेड होता है वो दुश्मनों के ऊपर फेंक रही होती है, लेकिन गलती से वो ग्रेनेड वहीं पर गिर जाता है जिससे एक ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में उसका साथी मारा जाता है। साथ ही यहाँ पर कैरोलिन को अब गोली भी लग चुकी है, वो जख्मी है। हालांकि अब तक कैरोलिन और उसके साथी सभी दुश्मनों को मार चुके हैं, लेकिन अब उसे इसी जख्मी हालत में आगे बढ़ना होगा। वो स्केटिंग करते हुए लगातार आगे बढ़ती चली जाती है और तभी उसे ल्यूटेनेंट दिखता है जिसके पास कैप्सूल है। वो ल्यूटेनेंट को रुकने के लिए कहती है, लेकिन ल्यूटेनेंट रुकना नहीं चाहता। दरअसल वो इस कैप्सूल को, इस वायरस को नष्ट करना चाहता है, इसीलिए कैरोलिन को उस पर गोली चलानी पड़ती है। गोली लगते ही ल्यूटेनेंट वहीं पर गिर जाता है, जिसके बाद कैरोलिन उसके पास आती है, उससे वो वायरस कैप्सूल ले लेती है। ल्यूटेनेंट कहता है कि ऐसा मत करो, इस वायरस को यहीं पर नष्ट कर दो, क्योंकि अगर ये वायरस दुनिया में फैल गया तो करोड़ों मासूमों की जान चली जाएगी। लेकिन कैरोलिन उसकी बात नहीं सुनती और कैप्सूल को लेकर यहाँ से निकल जाती है। कैरोलिन खुद भी जख्मी है, इसीलिए कुछ देर बाद वो वहीं पर गिर जाती है। तभी उसके सामने दो आदमी आते हैं जो घोड़े पर होते हैं। वो कैरोलिन से कहते हैं ब्लैक, और कैरोलिन को अपने मिशन का नाम याद आ जाता है जो कि ब्लैक क्रैब होता है। कैरोलिन जवाब में क्रैब कहती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। कुछ घंटों के बाद जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके सामने डॉक्टर है। डॉक्टर कहता है कि हमने तुम्हारे पेट से गोली निकाल दी है, लेकिन हमें तुम्हारी तीन उंगलियों को काटना पड़ा, क्योंकि बर्फ की वजह से, ठंड की वजह से वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। अब कैरोलिन को एडमिरल के पास लाया जाता है। यहाँ पर वो देखती है कि ल्यूटेनेंट भी है। ल्यूटेनेंट को भी बचा लिया गया था और एडमिरल अब कैरोलिन को बहादुरी के लिए, उसके काम के लिए, मिशन पूरा करने के लिए एक मेडल भी देती है। कैरोलिन पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। एडमिरल कहती है कि हमें माफ करना, हमने तुमसे झूठ कहा था, हमें तुम्हारी बेटी कभी नहीं मिली। ये सुनकर कैरोलिन अपना आपा खो बैठती है और वो एडमिरल के ऊपर हमला कर देती है। ल्यूटेनेंट उसे संभालता है, जिसके बाद यहाँ से सब के सब चले जाते हैं। और अब कैरोलिन को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसने वायरस इन तक पहुंचाकर बहुत बड़ी गलती की है। वो ल्यूटेनेंट से कहती है कि हमें इन सब को रोकना होगा, हमें वायरस को नष्ट करना होगा। ल्यूटेनेंट कहता है कि पहले हमारे पास मौका था, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते, वायरस उनके पास है। कैरोलिन कहती है कि मैं वायरस को बाहर दुनिया में नहीं फैलने दूंगी, क्योंकि वहां पर मेरी बेटी भी होगी और इस वायरस से वो भी मारी जाएगी। ल्यूटेनेंट कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। कैरोलिन कहती है कि हमारे पास मेडल्स हैं, ये सब हमें हीरो समझते हैं और इस बात का हमें फायदा उठाना होगा। और अब ये दोनों के दोनों लैब के पास पहुंच जाते हैं जहां पर वायरस है। वहां पर ये बहुत सारे लोगों को मार देते हैं, जिसके बाद ये लैब के अंदर चले जाते हैं जहां पर वैज्ञानिक भी है। और अब इनका प्लान होता है कि ये ग्रेनेड से इस पूरी जगह को उड़ा देंगे ताकि वायरस यहीं पर खत्म हो जाए। पर वैज्ञानिक कहता है कि ऐसा मत करना, अगर तुमने ऐसा किया तो पूरी लैब में वायरस फैल जाएगा जो यहाँ के लोगों को अफेक्ट करेगा, जिनसे उनकी मौत हो जाएगी और वायरस यहाँ पर खत्म नहीं होगा, वो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल जाएगा। और अब ये तय करते हैं कि वायरस लेकर ये यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन अब यहाँ की सिक्योरिटी भी इनकी तरफ बढ़ रही होती है। वो वैज्ञानिक से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तभी वो खतरे का अलार्म बजा देता है जिससे सबके सब सेफ्टी सूट पहन लेते हैं। यहाँ पर ल्यूटेनेंट और कैरोलिन सेफ्टी सूट पहनकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अब कैरोलिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि उसके स्टिचेस खुल चुके हैं। ल्यूटेनेंट उसके लिए मदद लेने के लिए जाता है
और उसी दौरान उसे पकड़ लिया जाता है। और अब एडमिरल उसके पास आती है और कहती है कि हमें वायरस दे दो। एरोलिन ल्यूटिनेंट को हेलीकॉप्टर से जाने का इशारा करती है। उसके हाथ में ग्रेनेड है और साथ ही वायरस भी। वो कहती है कि अगर तुम आगे बढ़े तो मैं ब्लास्ट कर दूंगी जिससे वायरस यहाँ फैल जाएगा। एडमिरल उसे समझाने की कोशिश करती है कि इस वायरस की मदद से हम एक बार फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं और तुम्हें अपनी बेटी के बारे में भी सोचना चाहिए। एरोलिन कहती है कि अब तक मैं वही सोच रही थी, लेकिन अब मुझे पूरी इंसानियत के बारे में सोचना होगा। और ये कहने के बाद वो ऊपर से नीचे कूद जाती है और तभी ब्लास्ट होता है जिससे वो बर्फ के टूटने से पानी के अंदर यानी कि समंदर के अंदर चली जाती है, जिस वजह से वायरस इस दुनिया में नहीं फैलता। ल्यूटिनेंट हेलीकॉप्टर से सब कुछ देख रहा होता है जो कि यहाँ से निकल चुका है। पानी के अंदर हमें दिखाया जाता है कि कैरोलिन की आत्मा अपनी बेटी से मिलती है, यानी कि उसकी बेटी की आत्मा को महसूस करती है, जिसका मतलब ये है कि उसकी बेटी की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। और यहीं पर ये कहानी, ये फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।